हेलो एवरीवन, मैं हूं अल्पना और आप देख रहे हैं फोकल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विदाउट इंटरलॉक मशीन शोल्डर पे स्टिचिंग कैसे करें। तो जैसे कि देखा गया है, जनरली ये वाला जो पार्ट होता है शोल्डर का, हम यहाँ पे स्टिच करते हैं नॉर्मल मशीन से विदाउट इंटरलॉक मशीन के। तो ये कुछ वॉश के बाद में ये इस तरह से ये थ्रेड्स निकल जाते हैं और ये पूरा यहाँ से सिलाई उखड़ जाती है। ये कॉटन है तो इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कोई सिंथेटिक फैब्रिक हुआ, शिफॉन, जॉर्जेट, समथिंग कुछ भी, तो ये थोड़े टाइम बाद ये यहाँ से निकल जाता है और ये पूरा ख़राब हो जाता है। तो इसको हम एक नॉर्मल और सिंपल मशीन से किस तरीके से इसको ओवरलॉक करते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि हम इसके शोल्डर्स को स्टिच करेंगे, जो कि हम बूम स्लाइड से स्टिच करेंगे और हमें उसमें फिर इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वो कुर्ती है जिसके इस शोल्डर्स को मैं आज स्टिच करना आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलिए पहले हम इसे राइट साइड से टर्न कर लेंगे और इसकी बूम स्लाइड स्टिच करने से पहले हमें हमेशा, जैसे कि हम हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हैं यहाँ पे, बट जब हम गुम सिलाई लगाते हैं तो उसमें हमें लगभग 1 इंच का मार्जिन छोड़ना होता है ताकि वो अंदर और बाहर दोनों साइड से बराबर सिल सके। तो चलिए स्टिच करते हैं। अब हम सबसे पहले इसको सीधी साइड से रख लेंगे। ये टेक्निक आप कुर्ते में, ब्लाउज में, टॉप में, कुर्ती में, किसी भी चीज में आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो हमारा ये, इसको अब हम इस तरह से रखेंगे। देखिए ये हमारा, देखिए इसको रखने का तरीका ये होगा, ये हमारा बैक, इसको रॉन्ग साइड रखना है। ये देखिए ये इस तरह से रॉन्ग साइड से आएगा और ये इस तरह से राइट साइड से आएगा। अब हम इसके यहां से ये जो पार्ट है, दोनों ये वाले पार्ट कॉर्नर्स के, हम इसको दोनों को मैच करेंगे दोनों साइड के, और हम इसमें यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगा देंगे। देखिए इस जगह पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे हम। इसी तरह हम दूसरी वाली साइड को भी स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने मिलाया दोनों को। ये देखिए ये पूरा दोनों साइड से हम इसे स्टिच कर चुके हैं। अब ये जितना भी एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको हमने इस तरह से कट करके हटा लिया है। देखिए ये पूरा एक साइड से इस तरह से स्टिच हो चुका है। अब हम इसको टर्न करेंगे रॉन्ग साइड। अब हम इसको टर्न कर चुके हैं इस तरीके से, तो हमारा जो अंदर वाला जो पार्ट आ रहा है वो, उसमें हमने सिंगल पैर की स्टिच करी थी यहाँ पे। ये देखिए ये हमारा इतना छोटा सिंगल पैर का है। अब हमें इसे थोड़ी ज्यादा स्टिच करनी होगी। अब हम इसको यहाँ पे हाफ इंच लेंगे इतना। देखिए अब हम इसको यहाँ पे इतना दबाएंगे क्योंकि यहाँ तक हमारी ये सिलाई आ रही है, तो इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें दबाना होगा। देखिए फिर से इसको वापस से इसको इस तरह से नेल प्रेस कर लेंगे। नेल प्रेस करने से ये एक सा हो गया। अब इसको यूं पकड़ेंगे दोनों हाथों से और ये इस तरह से इसको दबा देंगे और वापस से वैसे ही यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। देखिए अब चाहे आप इसको कितना भी धोइए, कितना भी वॉशिंग मशीन में धोइए, इसमें कुछ भी खराब नहीं होगा, कहीं से भी धागा नहीं निकलेगा। ये देखिए इसकी राइट साइड की फिनिशिंग, मैंने आपको इसको राइट साइड से भी टर्न करके दिखाया है। ये देखिए कितने अच्छे से ये प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में सिल गया। अगर हम इस तरह से सिलते हैं तो कुछ फैब्रिक्स ऐसे भी होते हैं गारमेंट जिनमें हम लाइनिंग नहीं लगाते, तो अगर उसमें भी आप इस तरह से स्टिच करके इसको बूम सिलाई देंगे तो ये बहुत अच्छी से फिनिशिंग आएगी इसमें।
और आपका ये कभी भी यहाँ से मशीन वॉश करिए या हैंड वॉश करिए, कभी भी यहाँ से खींच के इस फैब्रिक बाहर नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें। और हाँ, बेल का आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप बेल का आइकन दबाएंगे तो आपको हमारे हर नए अपलोड हुए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।